तो चलिए फ्रेंड्स, 20 मिनट में बनने वाली सबसे शॉर्टकट रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि हमें पूरी सब्जी और सेवई भी खाने को मिलेगा। या तो आप इसे लंच में बनाइए या फिर आप इसे डिनर में। तो मैं आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दी हूँ, और जब तक उधर आलू मेरा बॉईल हो रहा है, तब तक मैं ये जो पतली वाली सेवई होती है उसे मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का क्रश कर लूंगी, जिससे मैं उसे भून पाऊँ। और फिर एक साइड में दूसरे साइड गैस पर दूध चढ़ा दी हूँ, और इधर कढ़ाई में मैं घी डाल रही हूँ, घी में मैं सेवई को फ्राई कर लूंगी। तो इसी तरीके से छोटे छोटे आपके पास जो भी सेवई हो वो कर ले। अगर महीन वाला सेवई आप यूज करेंगे तो वो जल्दी इजिली पक जाएगा और हमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, और 20 मिनट के आप 15 मिनट में लंच या फिर डिनर बना करके आप रेडी कर सकते हैं। तो फिर मैं ऐसे मीडियम फ्लेम पे, बहुत लो मीडियम फ्लेम पे आप ऐसे धीरे धीरे पकाते रहें, जिससे कि ये हल्का ब्राउन भी हो। तब तक फिर मैं आटा लगा लेती हूँ, पूरी बनाऊंगी या फिर रोटी। अगर आप चाहें तो पूरी पसंद हो तो पूरी बनाइए, और रोटी पसंद हो तो रोटी बनाइए, क्योंकि हम जो सब्जी बनाने वाले हैं आज, वो पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा, बट अगर आप पूरी खाना पसंद करते हैं तो पूरी बना लें। तो मैं फटाफट से आटा लगा ली, और उसमें हल्का सा घी को ऊपर से ग्रीस करके सॉफ्ट करके रख दूंगी साइड में, क्योंकि अभी तो हमारा सेवई और सब्जी बनना बाकी है। तो इसे मैं ढक्कन लगा के रख देती हूँ, और हमारा सेवई भी अच्छे से भुना चुका है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारा दूध बॉईल हुआ या नहीं। तो ये बॉईल हो चुका है, तो हम लोग जो सेवई भुने थे वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये पतली वाली सेवई है, तो इसे पकने में मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम आई एम सेइंग, यानी कि 1 मिनट में भी ये हो जाएगा। तो फिर देखिए, ये जब मैं इसे बंद करने के पहले इसमें एक इलायची को क्रश करके इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और इसे मिला दूंगी। उसके बाद इसको बंद करके मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। मैं स्टार्टिंग में शुगर ऐड नहीं करती हूँ, आप चाहें तो अभी भी शुगर ऐड कर सकते हैं, बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कभी कभी क्या होता है ना कि गाय का दूध होने से वो फट जाता है, तो इसलिए मैं गैस को ऑफ कर दी, उसके बाद इसमें शुगर डाल दी हूँ, और फिर मैं इसे लिड लगा करके रख दूंगी, क्योंकि सेवई खीर ये सब थोड़ी ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है, गर्म गर्म बहुत अच्छा नहीं लगता। और अभी वेदर भी चेंज हो रहा है, हल्की गर्मी भी आ रही है, तो उतना अच्छा लगेगा नहीं। फिर मैं उसे ढक के साइड कर दी। फिर आलू जो मैंने बॉईल किया था उसे मैं निकाल ली हूँ, और ये देखिए, क्योंकि ये काफी गर्म है, तो मैं स्पून के हेल्प से, और इसे आप नाइफ से ना कट करें, नाइफ से कट करने पे सब्जी का टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। जैसे इसे क्रश करते हैं हल्का रफली, थोड़ा मोटा पोर्शन में रहे, थोड़ा पीसेस जो हो ना वो दिखें कि हाँ ये आलू है, जैसे दम आलू वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसे मैश कर लेंगे, इक्वली नहीं बस इररेगुलर वे में। और फिर मैं इसमें कर्ड ली हूँ, इसे मैं अच्छे से कर्ड को मिला लूंगी, फेंट लूंगी, क्योंकि आज हम लोग दही ही डालने वाले हैं, और हम लोग आज एक इंटरेस्टिंग बात है कि बिना लहसुन प्याज के आज ये सब्जी बनाएंगे। तो आप देख रहे होंगे, जीरा, काला राई, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा कसूरी मेथी, तेज पत्ता, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जो नॉर्मल हमारे मसाले होते हैं, सारे वेजिटेबल्स में हम लोग डालते हैं वो मसाले ले लेंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा यूज़ किया वो ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मीन्स मैंने इसमें पकौड़े तले थे वो वाला तेल यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास फ्रेश ऑयल हो तो आप फ्रेश ऑयल यूज़ करें। फिर मैंने राई, जीरा, उसके बाद उसमें तेज पत्ता, और फिर कसूरी मिर्च जो मैंने लिया था वो, फिर इसमें मैं करी पत्ता ऐड कर रही हूँ, फिर एक पिंच के करीब मैं इसमें हींग यूज़ कर रही हूँ। हींग आप यूज़ करें, सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद जो मैंने आलू को जो मैंने रफली मैश किया था हल्के हल्के बड़े पीसेस में, मैं उसे इसमें, और मैं ये सब्जी ना मैक्सिमम फुल आंच पे मैं इसे पकाने वाली हूँ, तो आप भी इसे मैक्सिमम पे ही करें, क्योंकि हमें भाई 15 से 20 मिनट के अंदर ये सब्जी ही नहीं सेवई और पूरी भी बनाना है। फिर मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी, आप देख रहे होंगे इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी, और इसे तेज आंच में पकाने से क्या होगा ना, ये सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी और फ्लेवर। और फिर मैं नमक और लाल मिर्च पाउडर, फिर मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसी तरीके से हम इसे मिक्स करते रहेंगे, जिससे ये हमारा अच्छा सा क्रिस्पी फ्लेवर दे, हमारा आलू अच्छे से भुना जाए। मीन्स ये बॉइल्ड तो है, बट एक जो फ्लेवर होता है ना वो भुना हुआ, वो फ्लेवर जरूर आए। और जब मसाला अच्छे से भुना जाए तो इसमें मैं टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। मैं आज सब्जी बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो सब्जी में लहसुन प्याज ऐड कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल सब्जी में प्याज भून के आलू डालते हैं उस तरीके से आप डालिए, और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। तो मैं इसे बिल्कुल, ताकि आप इसे ना जो पूजा होता है या फिर कुछ भी आप नवरात्रे में किसी भी चीज में आप इसे बना सकते हैं। और फिर मैं दही को फेंट करके अच्छे से इसमें डाल दी हूँ, और इस वक्त मैं अपना फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखी हूँ, जिससे हमारी दही फटेगी नहीं। अगर आप चाहें तो हाई फ्लेम पे भी इसे पका सकते हैं, क्योंकि इसमें फटने के बाद भी टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि हमें ये सब्जी हल्की खट्टी खट्टी ही चाहिए तो अच्छा लगता है।
तो बट मैं चाहती हूँ कि इसका टेक्सचर प्रॉपर आए, इसलिए मैं नहीं फटने के चलते मैं फ्लेम लो कर दी थी, और उसके बाद मैं उसमें वाटर ऐड करती हूँ, और जब एक अच्छा सा बॉईल आ जाए तो मैं उसमें गरम मसाला पाउडर, आप चाहे तो पीस के भी गरम मसाला यूज कर सकते हैं, और लास्ट में फिर मैं कसूरी मेथी को क्रश करके इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और थोड़ा सा धनिया पत्ते को मैं इसमें कट करके डाल दे रही हूँ। फिर मैं एक कढ़ाई ली हूँ जिसमें मैं फटाफट से पूरी तलूंगी, क्योंकि हमारा टाइम बहुत यूज हो चुका है ये सेवई और सब्जी बनाने में। तो फटाफट से मैंने जो आटा लगाया था उसका मैंने पूरी बेल लिया, और मैं इसे पूरी तल ले रही हूँ, और ये देख रही हूँ मैं कितना प्यारा सा ब्राउन कलर, बादामी कलर जो कहते हैं ना पूरी का, वो आया है। तो बिल्कुल मेरे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे बने रहें, जिससे मैं आप लोगों को और इतनी सी मजेदार इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लाती रहूंगी, और आप लोग कुछ नया सीखते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने प्लेट रेडी कर ली है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।